हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो टेक सॉल्यूशन और मैं हूं सुनील। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस से अपने रन हिस्ट्री को क्लियर कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो जब भी आप रन को यूज करते हो किसी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए या किसी शॉर्टकट को ओपन करने के लिए, तो आपके हिस्ट्री को सेव कर लेता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप उसे कैसे क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रन हिस्ट्री को क्लियर करने के लिए आपको अपने रजिस्ट्री एडिटर को ओपन करना है। उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से विंडो पर आर की दबाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है रैगरिड, उसका इंटर हिट कर दीजिए या ओके पर क्लिक कर दीजिए। एडमिन परमिशन पूछेगा, यस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपका रजिस्ट्री एडिटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है एच की करंट यूजर और उसे एक्सपेंड कर लीजिए। उसके बाद आपको इसमें सॉफ्टवेयर को सेलेक्ट करना है, उसे भी एक्सपेंड कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर आपको सेलेक्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट, इसे सेलेक्ट करने के बाद एक्सपेंड कर लीजिए। इसके अंदर आपको सेलेक्ट करना है विंडोज, इसे भी एक्सपेंड कर लीजिए। उसके बाद आपको करंट वर्जन को सेलेक्ट करना है और इसे एक्सपेंड कर लीजिए। इसके अंदर आपको ढूंढना है एक्सप्लोरर, देखिए ये रहा हमारा एक्सप्लोरर। अगर आपको मेरे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा ऐसा लगे कि मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत है तो बुरा मत लीजिएगा। इसके अंदर आपको सर्च करना है रन एम आर यू, देखिए ये रहा हमारा रन एम आर यू। इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर जितना भी आपका रन हिस्ट्री है वो शो होगा। जैसे ही आप इस पर राइट क्लिक करोगे, मॉडिफाई पर क्लिक करोगे, ये शो करेगा हमने किस ऐप को कितनी बार ओपन किया है। अगर आपको अपने रन हिस्ट्री को डिलीट करना है तो आप इन पूरे को डिलीट कर सकते हो। जैसे देखिए मैं विंडो पर आर की प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पर जितना भी एप्लीकेशन मैंने इस रन से ओपन किया वो सब शो हो रहा है। इसे रिमूव करने के लिए बेसिकली आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर जितना भी यहाँ पर शो कर रहा है डिफॉल्ट एम आर यू लिस्ट के अलावा उन सबको डिलीट कर देना है। पहले ए को डिलीट करते हैं, डिलीट, यस। बी को सेलेक्ट किया, डिलीट, यस। इस तरीके से आपको सभी को डिलीट कर देना है। देखिए हमने सभी रन हिस्ट्री को डिलीट कर दिया। उसके बाद हम अपने रन एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। देखिए अभी तक ये वर्क नहीं कर रहा, इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना है। तो इसे हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद आपको अपने पीसी को रिस्टार्ट करना है। देखिए मैंने अपना पीसी रिस्टार्ट कर दिया है। अब मैं विंडो प्लस आर की प्रेस कर रहा हूँ और देखिए यहाँ पर कोई भी रन हिस्ट्री शो नहीं हो रहा। इसी तरीके से आप भी अपने विंडोज के रन हिस्ट्री को रिमूव कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। अगर इस वीडियो में आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगला वीडियो हम किस टॉपिक पर लाए। अब आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो @MrShivaKumar, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए जल्दी से फॉलो कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।